हेलो फ्रेंड्स, पिंगन क्रंची में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं स्टफ तोरई की रेसिपी। घर में जब भी तोरई बनती है तो हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं कि खाना कैसे खाएं, कुछ टेस्टी सा क्यों नहीं बनाया है। लेकिन मैं आज आपको लेकर आई हूँ स्टफ तोरई की रेसिपी, जिसे बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये हमने हाफ के जी तोरई ले ली है, इन्हें कहीं पर नेनुआ भी कहते हैं, और ये एकदम सॉफ्ट हैं, बिल्कुल ताजी हैं। और इन्हें अब हम इस तरीके से नाइफ से हल्का हल्का सा पील कर लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा छीलना नहीं है। देखिए इस तरीके से इसकी पतली पतली लेयर उतार लेंगे। इस तरीके से तोरी को हमने देखिए छील लिया है सभी को, और अच्छे से इन्हें वॉश कर लिया है, और इनकी किनारियों को भी हमने कट कर लिया है। और अब हम 2 इंच लंबा इन्हें कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसे बीच में से कट कर देंगे ताकि हमें मसाला भरने में आसानी हो। इसी तरीके से हम सभी पीसेस को कट कर रेडी कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमने सभी पीसेस को कट कर रेडी कर लिया है, और अब इसकी हम फिलिंग तैयार करते हैं। मसाला गैस ऑन कर ली है, गैस पर लिया कढ़ाई, और कढ़ाई में ले लिया है हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और ऑयल को अब हम गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हींग, ये 2 हरी मिर्च को हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का सा चला देते हैं, फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। ये हमने 3 मीडियम साइज की ऑनियन को मिक्सी जार में पीस कर ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं। मसाले को अभी हल्का सा भुनने देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज को हम हल्का सा भुनने देते हैं, चलाते रहेंगे बीच बीच में। देखिए प्याज और गार्लिक अच्छे से भुन चुका है, और अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मसालों को भी भून लेते हैं। और अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ से हमारी तोरी की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये हमने 1 टीस्पून रोस्टेड बेसन ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं। इससे हमारे मसाले को अच्छे से बाइंडिंग मिलेगी, मसाला हमारा थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम सिर्फ 1/2 मिनट और भून लेंगे मसाले को, क्योंकि हमने रोस्टेड बेसन लिया था इसीलिए हमें बहुत ज्यादा देर भूनने की जरूरत नहीं है। मसाला हमारा एकदम रेडी हो चुका है, और अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और मसाले को हल्का ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम तोरई में फिल करेंगे। तो फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे हम अच्छे से छू सकते हैं, और अब तोरई को फिल करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी फिलिंग लेंगे स्पून से, और इसको इस तरीके से लगा देंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसे फिल कर देंगे। तो हम सभी तोरई के पीसेस को फिल कर लेते हैं। ये बना के देखिएगा,
बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है स्टफ तोरई की सब्जी। एक और भर के दिखाती हूं मैं आपको। ये सब्जी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। देखिए, तो हम सभी तोरई को भरकर रख लेते हैं। हमने सभी तोरई के पीसेस को फिल कर लिया है। जो ये मसाला बच गया है, इसे हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। गैस ऑन कर लिए है, गैस पर रख लिया कढ़ाई और इसमें ले लिया है हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को चला दें। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मसालों को अच्छे से चला दें। और ये हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर को प्यूरी बनाकर ले लिया है। डाल देते हैं 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। टमाटर को हम ऑयल रिलीज होने तक अच्छे से भून लेते हैं। देखिए, ऑयल रिलीज हो चुका है, टमाटर हमारा अच्छे से भून चुका है। और अब डालेंगे ये 2 ग्रीन चिली को हमने इस तरीके से कट कर लिया है पीसेस में, इन्हें भी डाल देते हैं। और अब जो हमारा मसाला बचा हुआ था फिलिंग वाला, उसे भी डाल दें। ग्रेवी में और अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं हम इसे। और अब डालेंगे 1/2 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। और अब डाल देंगे हम तोरई के पीसेस। इस तरीके से सेट कर देंगे। तो सभी पीसेस को सेट कर दें। तो हमने तोरई के सभी पीसेस को सेट कर दिया है अच्छे से कढ़ाई में। और इसे ढक कर हम पकने देते हैं, तब तक हमारी तोरई सॉफ्ट ना हो जाए। और इसे बीच बीच में 1 से 2 बार चेक कर लेंगे। और 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। तोरई को ढककर हम पकने देते हैं और इसे 5 मिनट के बाद चेक करेंगे और एक बार चला देंगे बीच में। इसे लो फ्लेम पे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और इसे हल्के हाथों से चला दें इस तरीके से। भाई वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और इसे अब थोड़ी देर में, ये बहुत जल्दी तोरई सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इसे थोड़ा सा और कुक होने देते हैं तोरई को अच्छे से सॉफ्ट होने तक। ढक देते हैं फ्लेम को। अब इस टाइम पर हम लो कर देंगे। चलिए सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, तोरई भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है अच्छे से। और अब डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद मिक्स कर दें। बहुत ही टेस्टी हमारी तोरई, स्टफ तोरई की सब्जी बनकर तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तोरई की सब्जी एकदम रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।